फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम फिर वापस पैराडाइज लॉस्ट बुक वन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। और आज हम 571 लाइन से आगे हम आज देखेंगे जितना हो सके, और इसको इस वीक हम ख़त्म कर देंगे, एनी हाउ ख़त्म कर देंगे। अगर मुझे एक दिन दो वीडियो भी डालना पड़ा तो इसको ख़त्म करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीक से नेट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अमेरिकन लिटरेचर पे वीडियो आएगा, लिंग्विस्टिक्स पे वीडियो आएगा, वो नॉर्मल रूटीन में शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। दे आर मोर इन नंबर देन द जायंट्स ऑफ और हीरोज ऑफ ओल्ड टाइम्स। अब यहाँ दे आर मोर इन नंबर किसके बारे में, कौन सा नंबर, जो आर्मी है सेटन की। तो यहाँ पे मिल्टन जो सेटन की आर्मी है उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके की उसकी आर्मी थी, और उसकी आर्मी को मिल्टन ने डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रेट आर्मी रही है हिस्ट्री में या हमारे माइथोलॉजीज में जितनी ग्रेट आर्मी रही है उसके साथ इन्होंने कंपेयर किया है। और इसमें पूरा ये जितनी लाइन हम अभी पढ़ेंगे वो पूरी आर्मी पे ही बेस्ड है कि किस तरीके की उसकी आर्मी है, मिल्टन उसको किस तरीके से देखते हैं, और फिर सेटन का क्या पर्सपेक्टिव है अपनी आर्मी को देख के, वो किस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहा है अपनी आर्मी को देख के, यही पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दे आर मोर इन नंबर, जैसे वो कह रहे हैं कि देन जायंट्स एंड और हीरोज ऑफ ओल्ड टाइम, जो आर्मी है उसमें इतने ज़्यादा संख्या में फॉलन एंजल्स हैं और सेटन के फॉलोअर्स हैं कि जो जायंट्स हुए हैं, जायंट्स जो हैं वो जो आप अगर मूवीज़ देखे होंगे टाइटन्स या इस तरीके की मूवीज़ जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, तो वही जायंट्स की का यहाँ पे भी रेफरेंस लिया गया है कि जो जायंट्स हुए हैं या ओल्ड हीरोज़ हुए हैं उनके नंबर से भी ज़्यादा नंबर हैं सेटन की आर्मी में। दे आर नंबर लास्ट ही सम। और वो क्या कह रहा है, मतलब मिल्टन क्या कहते हैं कि फिर वो जितने भी इसके आर्मी मैन हैं, आर्मी में जितने भी लोग हैं, वो उनको काउंट करना शुरू करता है सेटन। ठीक है, और जब वो काउंट करना शुरू करता है, एंड नाउ हिज हार्ट डिस्टेंट्स विद प्राइड। डिस्टेंट का मतलब स्वेल हो जाना, मतलब फूल जाना, छाती फूल जाना कहते हैं ना, कि प्राइड के साथ यू मतलब आपकी छाती फूल गई। तो उस तरीके का एक्सप्रेशन है कि सेटन जैसे ही अपनी आर्मी के नंबर को काउंट करता है और वो देखता है कि इनकी संख्या तो मतलब बड़े बड़े योद्धाओं की संख्या से भी ज़्यादा है, और वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि ग्रेट आर्मीज में हुआ करती थी, तो वो बहुत ही प्राइड फील करता है, और उसका जो हार्ट है जो है वो स्वेल कर जाता है प्राइड से, एंड हार्डनिंग हिज इन हिज स्ट्रेंथ। और मतलब वो ग्लोरीज़ फॉर नेवर सिंस क्रिएटेड मैन। अब ये यहाँ पे मिल्टन कह रहे हैं कि वो इतना खुश होता है कि उनकी स्ट्रेंथ देख के और वो ग्लोरी देख के अपनी आर्मी की, कि वो मतलब ऐसा कह रहे हैं कि अब तक जब से ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन हुआ है अब तक इस तरीके की आर्मी अब तक किसी ने क्रिएट नहीं की, इतनी मार्वलस आर्मी है मिल्टन कह रहे हैं सेटन की। मेट सच एम्बॉडीड फोर्स एज नेम्ड विद दीज। अब वो क्या कह रहे हैं कि फिर वो ऐसे लोगों को मतलब देख के ऐसा उसको लगता है कि इनकी इन मतलब जो ये जो फॉलन एंजल्स हैं इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेट सच एम्बॉडीड फोर्स एज नेम्ड विद दीज कुड मेरिट मोर देन, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, किसी से भी मतलब इनकी जो मेरिट है, इनकी जो फोर्स है, इनका जो स्ट्रेंथ है, इसको इसकी मेरिट को कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। कुड मेरिट मोर देन दैट स्मॉल इन्फेंट्री वॉर्ड ऑन बाय क्रेन्स दो ऑल द जाइंट ब्रूड ऑफ फेलिग्रा। तो एक लड़ाई हुई थी पिग्मीज और फेलिग्रा के जाइंट्स के बीच में, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि मिल्टन कहते हैं कि उसकी आर्मी जो है इज़ मोर देन द पिग्मीज हु वर अटैक बाय द क्रेन्स, इवन इफ हिज अटैक बाय द क्रेन्स इवन इफ दिस आर्मी इंक्लूड ऑल द जाइंट्स ऑफ फेलिग्रा। मतलब कि सभी जाइंट ऑफ फेलिग्रा को भी अगर इसमें कंपेयर किया जाए, फेलिग्रा और जाइंट का रेफरेंस ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो ज्यूज थे उनकी एक लड़ाई हुई थी और उसके बाद जाइंट्स को जो बड़े बड़े सॉरी जाइंट्स हैं उनको उन्होंने फेलिग्रा जो प्लेस है ये माइथोलॉजिकल प्लेस है इन ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी ऑल्सो, और अभी भी है मतलब मॉडर्न टाइम में भी ये है, लेकिन मिथिकल यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है कि उस लड़ाई में जितने भी वो जाइंट्स यूज़ हुए हैं, जाइंट्स का जो वॉर हुआ है उस
उसका पावर है, मतलब उससे ज़्यादा पावर इनके पास है, ठीक है। फिर वो कहते हैं विद द हीरोइक रेस विद वेयर जॉइंड दैट फॉट एट थीब्स एंड इलियम। अब थीब्स और इलियम का क्या है, थीब्स का मतलब कि जो कि थीब्स की लड़ाई हुई है, और इलियम का मतलब हो गया कि ट्रॉय, सिटी ऑफ ट्रॉय, सिटी ऑफ ग्रीस, और जो ट्रॉय है मतलब ये थीब्स जो है वो एक सिटी है ग्रीस में, और इलियम को ट्रॉय कहा गया। तो इसमें जो लड़ाई लड़ी गई और ये जो ग्रेट वॉर हुए हैं ट्रॉय के या थीब्स के, तो इसमें जो आर्मी यूज़ हुई है वो भी इसको कंपेयर, मतलब उससे ज़्यादा कहीं कई कई गुना ज़्यादा इस तरीके के योद्धा उसके आर्मी में हैं। ऑन ईच साइड मिक्स्ड विद द ऑक्सिलियर्स गॉड्स एंड वॉट रिसाउंड इन फेबल और रोमांस ऑफ द आर्थरसन। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो गॉड लाइक, मतलब गॉड ही है क्योंकि ये फॉलन एंजल्स हैं, तो उनको जो ऑक्सिलर्स गॉड का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो असिस्टिंग गॉड है, उनकी क्षमता इनके आर्मी में है। और वो कहते हैं कि जो भी आपने फेबल में और रोमांस में सुना है अबाउट द आर्थर, किंग आर्थर के बारे में जो भी आपने सुना है, उन सब की क्षमता इसकी आर्मी में, मतलब कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता इसकी आर्मी को, वेदर इट इज़ अ ह्यूमन और इट इज़ अ गॉड और इट इज़ अ जायंट्स, कोई भी उसके सेटन की आर्मी को कोई कंपेयर नहीं कर सकता, इतनी इतनी बड़ी आर्मी है सेटन की। फिर वो आगे कहते हैं कि बिगर्ड विद ब्रिटिश एंड आर्मोरिक नाइट ऑल हु सिंस बेप्टाइज्ड और इनफेडल जाउस्टेड एम्प्रोमोंट और माउंटबेन, डेमेस्कस, मोरक्को एंड ट्रेबीजेंड। तो ये यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट जो नाम दिया गया है, इसमें ये कह रहे हैं, मिल्टन कह रहे हैं कि जो भी आपने, मतलब कोई भी आपने स्टोरी सुनी है, वेदर बाय द क्रिश्चियंस, अगर आपने क्रिश्चियंस से सुनी है या नॉन क्रिश्चियंस से सुनी है, मतलब जो एरमिक पीपल हैं या जो अरबिक पीपल हैं उनके थ्रू अगर आपने कोई स्टोरी सुनी है जो कि है अबाउट द ग्रेट टूर्नामेंट, जो कि फ़ाइट हुआ था, मतलब एक टूर्नामेंट हुआ था ऑफ मतलब जहाँ फ़ाइट हुई थी और उसमें सभी कई देश, कई जो छोटे छोटे देश हैं वो फाइट किए थे, जिसमें एम्प्रोमटा है या मोंटालेबन है या डेमस्कस है, मोरक्को है, तो इन सब जगहों पे एक टूर्नामेंट हुआ था, बहुत बड़ा फाइट का टूर्नामेंट हुआ था। तो इस तरीके की स्टोरीज़ जो है वो बहुत ही पॉपुलर हैं इन क्रिश्चियन माइथोलॉजी एंड अरब में, अरब पीपल भी इस तरीके की माइथोलॉजी और स्टोरीज सुनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके की स्टोरीज़ में जो भी आपने सुना है, तो उन सभी टूर्नामेंट में जितने लोग भी शामिल हुए हैं वो इनके मतलब इसके आर्मी में कहीं दूर दूर तक उस तरीके की मतलब लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते। कोई भी टूर्नामेंट हुआ हो, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हुआ हो, तो सेटन की आर्मी उन सभी योद्धाओं से बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके योद्धा मौजूद हैं जो इस तरीके के टूर्नामेंट में भाग लिए थे। इस तरीके के योद्धा उसके पास कई सारे हैं। तो ये सब देख के कंपेयर किया जा रहा है आर्मी को। फिर यहाँ पे आगे वो कहते हैं कि चार्लमैन की यहाँ पे बात की गई है कि और हुम द बाइजेटा सेंट फ्रॉम अफ्रीक शोर व्हेन चार्लमैन विद ऑल हिज प्यूर्ज फेल बाय द फोंटारेबिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोंटारेबिया जो है ये एक स्पेन में जगह है, और चार्लमैन जो है वो ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत ही बड़े राजा हुए हैं, और कहीं कहीं इनको फादर ऑफ यूरोप भी कहा गया है। तो ये इनकी एक लड़ाई हुई थी और उसमें ये इनके जो पूरी आर्मी है इनको स्ले कर दिया गया था, मतलब इनको ख़त्म कर दिया था मूर्स ने, इनको मतलब इनके साथ लड़ाई हुई थी और मूर्स ने इनको डिफ़ीट किया था, ऐसा रेफरेंस है। तो वो कुल मिला के ये यही चीज़ इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेटन की आर्मी है उसकी तुलना किसी भी ह्यूमन आर्मी से नहीं की जा सकती, इतना वो जाइंट आर्मी उसके पास है, इतनी ज़्यादा संख्या में उसके पास योद्धा हैं कि ना तो उसकी
उसका कंपैरिजन आप ह्यूमन में कर सकते हो ना जाइंट्स में कर सकते हो, मतलब अब तक इस तरीके की आर्मी, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा, उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ इलेबोरेट किया है कि अभी तक नहीं बनी है. दस फॉर दीज बियॉन्ड कंपेयर ऑफ मॉर्टल प्रोविस येट ऑब्जर्व देयर ड्रेड कमांडर. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती किसी भी ह्यूमन आर्मी से, लेकिन उसके बाद भी वो अपने जो इतनी इतनी विशाल सेना है और इतने भयानक भयानक योद्धा हैं इसकी सेना में सेटन की, उसके बावजूद भी, इतने सबके बावजूद भी वो अपने कमांडर के ऊपर निर्भर है. वो देखना चाहते हैं कि सेटन जो है देयर, जो उसका जो कमांडर है, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है. उनको ही ऑब्जर्व करके उसको फॉलो करने के लिए ये आर्मी तैयार हुई है. तो इतनी, मतलब इतनी ग्लोरियस आर्मी है सेटन की, ऐसा कहा जा रहा है. ही अबव द रेस्ट सेटन एंड हिज फॉलोअर डिस्क्राइब्ड देयर फेडेड ग्लोरी. तो यहाँ पे वही जो सेटन और उसके फॉलोअर्स हैं उनके जो फेडेड ग्लोरी है, यहाँ पे मिल्टन ने उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके के फॉलोअर्स हैं इसके पास, जिसमें जाइंट्स की शक्ति है, जिसमें ह्यूमंस की शक्ति है, जो बड़ी बड़ी आर्मीज़ हुई हैं, बड़े बड़े किंग्स हुए हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, उस तरीके के सैकड़ों हज़ारों करोड़ों योद्धा उसकी आर्मी में पड़े हुए हैं. तो इस तरीके की ग्लोरियस आर्मी है मिल्टन बता रहे हैं. इन शेप एंड गेस्चर्स प्राउडली एमिनेंट स्टूड लाइक अ टावर. अब यहाँ पे ये सेटन के बारे में कहा जा रहा है कि जो सेटन है वो अपनी जो उसकी उसका जो शेप है और उसका जो जो फिज़िकल अपीयरेंस है, वो मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि वो उन सबसे ऊंचा है. जितने भी फॉलोअर्स के बारे में हमने बात किया, अभी 10-11 फॉलोअर्स के बारे में हमने बात किया जो फॉलन एंजल्स थे, एक एक करके आए, फिर उसकी आर्मी जो इतनी बड़ी आर्मी है, तो सेटन की जो स्थिति है वो टावर जैसी है. ठीक है, उन सबसे बड़ा है वो, उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें, उसमें प्राइड है, उसमें ग्लोरी है, और वो टावर के जैसे उनके बीच में खड़ा हुआ है. ही फॉर्म हैड येट नॉट लॉस्ट, हिज फॉर्म हैड येट नॉट लॉस्ट ऑल हर ओरिजिनल ब्राइटनेस, नॉर अपीयर्ड लेस देन आर्क एंजल्स रुइंड एंड द एक्सप्रेस एक्सफेज ऑफ ग्लोरी ऑब्सक्योर्ड. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं, मिल्टन कह रहे हैं कि उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो ओरिजिनल उसके फेस की जो ब्राइटनेस है सेटन की, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है. नॉर डिड ही अपीयर वर्स, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ऊपर से उसको उसका स्वर्ग छीन लिया गया, उसको ऊपर से गिरा दिया गया, मतलब हेवन से हेल में फेंक दिया गया, लेकिन उसका जो जो उसका अपीयरेंस है उसमें कहीं भी वो मतलब वो नर्वस नहीं लग रहा है, वो डिप्रेस नहीं लग रहा है. उसके फेस पे उतनी ब्राइटनेस अभी भी स्टिल बाकी है, उसकी ग्लोरी जो है वो कहीं भी फेडेड नहीं नज़र आती है. ठीक है, वो पूरी तरीके से अपने उस फॉल को एक्सेप्ट किए हुए है वो. ठीक है, अब यहाँ पे आगे कहते हैं मिल्टन कि हिज फॉर्म, ठीक है, एज व्हेन द सम न्यू राइजन लुक through the horizontal misty air shorn of his beam or from behind the moon in dim eclipse disastrous twilight shade of half the nation and with the fear of change perplexed monarch darkened so yet shone above them all the archangel but his face deep scar of thunder had entrenched and care set on his faded cheek but under brows of dauntless courage and considerate pride waiting revenge. तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है अभी तक जितना मैंने पढ़ा वो पूरा पूरा जो है मिल्टन के बारे में है, सॉरी सेटन के बारे में है. तो यहाँ पे मिल्टन कहते हैं कि उसकी जो ग्लोरी है वो कहीं भी ख़त्म नहीं हुई है. ऐसा उसको देख के लगता है कि जैसे when the sun new risen look through the horizontal misty air shorn of his beam. ठीक है, कह रहे हैं कि उसको देख के ऐसा लगता है कि जिस जैसे कि जब जब सन जो है वो राइज होता है,
सुबह, और जो कोहरा उसको ढक लेता है जब सन को, सुबह सुबह अगर सनराइज़ हो रहा है और आप अगर ठंड के समय में अगर आप देखें कोहरे को और उस समय सनराइज़ को देखें ठंड के मौसम में, तो कोहरा किस तरीके से सन को ढक लेता है, तो उसकी जो ब्राइटनेस है सन की वो छुप जाती है उस कोहरे में। तो वैसा ही मिल्टन कहते हैं कि सेटन भी लग रहा है कि उसकी जो ब्राइटनेस है वो छुप गई है, क्योंकि उसने वो फॉल देखा, उसको हेल में फेंक दिया गया, उसने उतनी बड़ी लड़ाई हारी, तो उन सब की वजह से उसकी ब्राइटनेस छिपी है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हुआ है। सन इज़ ऑलवेज द सन, ठीक है, वो ठीक है, वो जैसे ही वो कोहरा हटेगा उसकी ब्राइटनेस वापस आएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ जो है मिल्टन कह रहे हैं। और फ्रॉम बिहाइंड द मून In dim eclipse, disastrous to light shade, on half the nation and with fear of change, perplexed monarch. तो यहाँ पे अब फिर दूसरी बार वो कंपेयर कर रहे हैं सेटन को मून से, कि वो कहते हैं कि मून जैसे कि जब मून के ऊपर eclipse लगता है, ठीक है, तो मून अपनी जो शाइन है या जो छुप जाता है, ठीक है, वो इक्लिप्स की वजह से मून जो है किस तरीके से मून जो है छुप जाता है, लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे धीरे धीरे वो एक्लिप्स ख़त्म होता है, मून अपने वापस एग्जिस्टेंस में आ जाता है, वैसा ही सेटन भी इस समय सब जब उसके फॉलोअर्स उसको देखते हैं तो उनको ऐसा ही लग रहा है कि ये जो चांद था, मतलब सेटन को कह रहे हैं मिल्टन यहाँ पे, कि उसको ढक रखा है एक्लिप्स ने एक, और फिर जैसे ही वो एक्लिप्स हटेगा वो वापस से रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो चीज़ है, फिर वो कहते हैं कि एंड विद द फियर ऑफ चेंज परप्लेक्सेस मोनार्क्स डार्कन सो येट शोन अबव देम ऑल द आर्क एंजल बट हिज फेस डीप स्कार ऑफ थंडर एंड इंट्रेंच्ड एंड केयर। अब यहाँ पे वही चीज़ वो आगे कह रहे हैं कि मतलब जैसे कि ये सारी चीज़ें जो कि सन का ब्राइटनेस कम हो जाना या मून का एक्लिप्स हो जाना, तो ये हमारे यहाँ जैसे जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें अपशगुन मानी जाती हैं, ख़राब मानी जाती हैं, और राजाओं के मन में भी ये सब इस तरीके की स्थिति को देख के जो है वो भय पैदा होता है, वो डर जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, और डार्कनेस इस तरीके की आती है तो जो जो ह्यूमन बीइंग है उनको भी लगता है कुछ अपशगुन होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है वो मिल्टन कहते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं, मतलब देख के उसको भी, सेटन को भी देख के इसी तरीके की फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है, बिकॉज़ ही इज़ नॉट इन हिज ओन मूड, या वो अपने आप में नहीं है, वो फॉल झेल चुका है, वो सब कुछ झेल चुका है, और अब नाउ ही इज़ गेटिंग रेडी टू फाइट अगैन। तो ये चीज़ जो है देखने में आ रही है। फिर वो कह रहे हैं आगे कि डार्कनेस सो येट शोन अबव देम ऑल द आर्क एंजल बट हिज फेस डीप स्कार ऑफ थंडर एंड। अब यहाँ पे फिर उसी चीज़ को कह रहे हैं कि जैसे उसको देख रहे हैं सब, तो ऐसा लगता है कि डार्कनेस जो है उसके ऊपर है और सेटन को ढके हुए है, और जो सेटन है वो कोहरे के बीच से झांकता हुआ, और जैसे सब कुछ उसका जो है वो जैसे लग रहा है कि धीरे धीरे वो अपने आप में वापस आ रहा है, और जो एक तरीके से कहा जाए कि उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही गुस्से में है। डार्कन सो येट शोन अबव देम ऑल द आर्क एंजल बट हिज फेस, उसका जो फेस है डीप स्कार ऑफ थंडर, उसके फेस पे थंडर जैसा स्कार पड़ा हुआ है, एंड इंट्रेंच्ड एंड केयर सेट ऑन हिज फेडेड चीक, और उसके जो चीक हैं उसके जो चेहरे पे जो है वो झुर्रियाँ जैसा, मतलब कुछ झुर्रियाँ जैसी आ गई हैं, बट अंडर ब्राउज ऑफ डॉन्टलेस करेज, लेकिन उसके बाद भी उसका जो उसकी जो चीक हैं उसकी जो गाल हैं, ठीक है, वो येट वो येल्लो हल्का सा डेंटेड हो गया है, लेकिन मतलब डॉन्टलेस हो गया, डॉन्टलेस करेज है, सब कुछ के बाद उसके फेडेड चीक हो गए हैं, स्कार्स हैं उसके चेहरे पे गहरे, और जो उसके मतलब झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं चेहरे पर इन सब चीज़ों की बात, और गले जो उसके फेस पे जो है कहीं ना कहीं उसको कुछ टेंशन है, फेस पे टेंशन की थोड़ी थोड़ी लकीरें हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उसका करेज है वो बहुत ही उसको रोका नहीं जा सकता, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेज है उसका,
उस फेड नहीं हुआ है, करेज कहीं नहीं गया है उसका, और वो पूरी तरीके से तैयार है और टाइम का अपने वेट कर रहा है कि रिवेंज वो कब लेगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं और फिर आगे इससे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो चलिए, जैसा भी लगा आप उसको बिल्कुल बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में इट टेक्स लॉट ऑफ स्टडी, और फिर मुझे लगता है कि अगर मतलब गलत क्या बताना, तो वही चीज़ है कि कोशिश मैं करती हूँ कि अपनी तरफ से मैं आपको सही सटीक एक्सप्लेनेशन दूँ, और अगर कहीं थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने करेक्ट नहीं किया है एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ आप लेट मी नो, जिससे मैं भी अपने आप को सुधार सकूँ और मैं भी उसमें अपने आप को सही करेक्ट कर सकूँ। तो अगर आपको लगता है कि कहीं मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है, तो प्लीज़ आप उसको भी कॉमेंट में बताइए, मैं उसको सुधार के अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तुरंत आएगी अभी, दूसरी वीडियो इसी चैनल पे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को यार, और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।